नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गौरव चावड़ा मधुदीप आईवीएफ और बेस्ट टू बेबी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 9714864644। जो आज का टॉपिक है वो है एडिनोमायोसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय की सूजन। अब ये क्या चीज़ होती है और इतना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों हो गया है? ये इसके लिए हो गया है कि पहले तो जानना चाहिए कि एडिनोमायोसिस क्या होता है, गर्भाशय की सूजन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो मॉडल है उसको समझाना चाहूँगा। ये बीच में जो इसको बच्चेदानी या गर्भाशय या यूट्रस बोलते हैं, ये योनि मार्ग है जिसको इंग्लिश में वजाइना बोलते हैं, ये सर्वाइकल कैनल है और ये सर्विक्स है। तो और ये जो बंदे फैलोपियन ट्यूब है जो दोनों दिख रही है, और वो है ये जो है वो अंडपिंड या ओवरी जिसको बोलते हैं, वो इसमें चीज है। अब जो बीच का जो जगह है जहाँ पर बालक रुकता है उसमें एक पड़ बनता है जिसको एंडोमेट्रियम, गर्भाशय का पड़ है, वो एक्टिव होता है। अब ये पड़ जो है गर्भाशय का, वो अगर मायोमेट्रियम में मसल में चला जाए या फिर सीरोसा में चला जाए तो एक सूजन जैसी बात, देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये जो लाल कलर की ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, ऐसा भाग डेवलप होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में एडिनोमायोसिस और हिंदी में गर्भाशय की सूजन की कहते हैं। इसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, इसी कारण दुखावा होता है और ये फाइब्रोड से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो अब आप समझ सकेंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर है वो फाइब्रोड है, ये वाला स्ट्रक्चर है वो एडिनोमायोसिस के तौर पर हम लोग डायग्नोस करते हैं। तो आपकी कितना समझ पता चल गया है। उसके कारण तकलीफ क्या होती है? जनरली पीड़ों में दुखन, भारीपन रहना, बच्चा नहीं रुकना, रिपीटेडली मिस इमोशन होना और कई किस्सों में गर्भाशय की साइज बढ़ जाना, तो हिस्टेरेक्टोमी तक इसमें कराना पड़ता है। कई बार मासिक भी ज्यादा इसमें आ सकता है। अब जो तपास होती है उसमें बेसिकली हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सिटी स्कैन कराते हैं या जरूर पड़ने पर एमआरआई कराते हैं। ट्रीटमेंट में हम लोग जनरली पेशेंट को एंटी एस्ट्रोजेनिक एंटी प्रोजेस्टेरोनिक ड्रग देते हैं। पुराने समय में नेरेजोलोन नाम की दवाई भी हम लोग देते थे, मिफेप्रिस्टोन भी कई बार दी जाती है, और इसके लिए जो लुपोलाइड डेपो है वो ट्रीटमेंट हम इसमें यूज करते हैं। और उसके बाद अगर बच्चा नहीं रुका तो लेप्रोस्कोपी करके भी इसको रिडक्शन उसका भाग काट करते हैं और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी या मायोमा रिमूवल की भी सर्जरी इसमें हो सकती है। और इसके बाद जरूर पड़ने पर हिस्टेरोस्कोपी करके हम लोग ब्लड सप्लाई बराबर पहुंचती है कि नहीं वो भी हम लोग देख देते हैं। इसके बाद भी बच्चा नहीं रुका तो इसका रामबाण इलाज गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी करने से पहले इसको डाउन रेगुलेट करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग लिप्रोलाइड इंजेक्शन डाउन रेगुलेट करने के लिए 3.75 मिलीग्राम इसको देते हैं। उसके बाद सोनोग्राफी कराते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट देते हैं और उसके बाद हम लोग बच्चा ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो चीज है वो आपको फाइब्रोड से डिफरेंशिएट करनी पड़ती है, फाइब्रोड में से दिखता है, एडिनोमायोसिस से दिखता है। तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करके रिपीटेडली हम देखते हैं, कई बार मार्कर भी यूज करते हैं ब्लड का रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, इसके लिए हम C125 यूज करते हैं, CAB हम लोग यूज करते हैं। तो एडिनोमायोसिस जो होता है उसका कारण जो होता है वो ये होता है कि कई बार बच्चे दिन साफ कराते हैं रिपीटेडली, विग्रेसली आप साफ करते हो, घिस घिस के साफ करते हो, बहुत बार डिलीवरी हो गई होती है, कई दवाइयाँ यूज होती है, कई बार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी होती है। तो ये सभी चीजें जो होती है इसके कारण एडिनोमायोसिस हो सकता है। तो ये एक तकलीफ है, इसका हमें निराकरण है, इससे बच्चा नहीं रुकता है। तो इसके लिए भी मैंने आपको बोला कि हम लोग आईवीएफ करके इसमें बच्चा रोक देते हैं। इसमें ब्लड सप्लाई कम होने के कारण कई बार रिपीटेडली मिस इमोशन होता है, तो ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए भी दवाई चालू करनी होती है, जैसे कि साल्डेनाफिल यूज कर सकते हैं, ट्रेंट्रोल यूज कर सकते हैं और पेंटोक्सिफाइलिन जो इसका नाम है उसमें दवा यूज होती है। कई बार विटामिन ई भी हम लोग यूज करते हैं और सर्कुलेशन के लिए ईस्ट्रोजन चैलेंज और प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट भी हम लोग देते हैं। तो ये चीज करने से उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ता है और जो बच्चा नहीं रुक पाता है वो इससे बच्चा रुकने की प्रोसेस टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा हो सकती है। तो जब भी रिपोर्ट में लिखा गया हो कि गर्भाशय की सूजन या एडिनोमायोसिस, तो अब आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी ये जो चीज है ये देखी गई है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप अभी हमको इसके लिए बताने के लिए आ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9714864644 और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।